दोस्तों इस तरह का बर्थडे स्टेटस वीडियो क्या दोस्तों अपने गर्लफ्रेंड के लिए या दोस्तों अपने वाइफ के लिए या दोस्तों किसी भी फ्रेंड सर्कल के लिए इस तरह का बर्थडे स्टेटस वीडियो अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को सिखाऊंगा इस तरह का आपको बर्थडे स्टेटस वीडियो किस तरह से क्रिएट करना है। इस तरह का बर्थडे स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, एप्लीकेशन का नाम है काइन मास्टर। और दोस्तों इस तरह का बर्थडे स्टेटस वीडियो अगर आप लोग खुद से क्रिएट करना चाहते हो तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखते रहो। अगर दोस्तों इस तरह का बर्थडे स्टेटस वीडियो मेरे से क्रिएट करवाना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट या इंस्टाग्राम पर जरूर मैसेज करना, नहीं तो दोस्तों आप लोग इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काइन मास्टर ऐप को ओपन करना है। काइन मास्टर ऐप आप लोग दोस्तों जैसे ओपन करोगे आपका काइन मास्टर का इंटरफेस दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का आपको दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट में आपको क्लिक करना है, आपको सिलेक्ट करना है 1:1 और आपको नीचे क्रिएट में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको नीचे इस तरह का सेटिंग ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करके नीचे एडिटिंग में आना है। डिफॉल्ट फोटो ड्यूरेशन को आपको 4 सेकंड पर रख के आपको नीचे जो आपको यहाँ पर फोटो डिस्प्ले मोड आपको दिख रहा है इसको आपको यहाँ पर फिल स्क्रीन करना है और ट्रांजेक्शन ड्यूरेशन को आपको दोस्तों 1.5 सेकंड के आसपास रख के बैक आ जाना है। आपको यहाँ पर मिलेगा मीडिया ऑप्शन, इस मीडिया ऑप्शन में जाके कम से कम आपको 10 से 12 फोटो आपको ऐड करना है। फोटो ऐड करने के बाद आपका वीडियो का इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार का दिखने को मिलेगा। अगर दोस्तों फोटो ऐड करने के बाद अगर आपका फोटो का साइज कुछ इस प्रकार से मतलब फ्रेम से छोटा हो रहा है तो आपको फोटो में क्लिक करना है। आपको इस पेन एंड जूम के ऑप्शन में जाके फोटो को इस प्रकार से फिल स्क्रीन कर लेना है। ठीक है, फिल स्क्रीन करने के बाद दोस्तों डबल एन में क्लिक करके आप लोग क्लिक हटा लेना है और आपको एंड पोजीशन जूम करके आप चाहो तो एंड पोजीशन इस प्रकार से जूम कर सकते हो। ठीक है, जो कि दोस्तों इस वीडियो में मैं सभी फोटो का एंड पोजीशन में जूम कर लेता हूँ फटाफट से और दोस्तों उसके बाद मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं सभी फोटो को फिल स्क्रीन और दोस्तों एंड पोजीशन जूम कर चुका हूँ। उसके बाद आपको प्लस वाला आइकन में क्लिक करना है और आपको अर्बन रेड वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट को आपको ऐड करना है। दोस्तों अर्बन रेड ट्रांजेक्शन इफेक्ट यहाँ पर आपको 4 मिलेगा, आपको क्या करना है एक एक करके सभी प्लस वाला आइकन में ए वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट को ऐड करना है। दोस्तों अगर आपका काइन मास्टर में ए वाला ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं है तो इसको आपको डाउनलोड कैसे करना है, सिंपली से दोस्तों आपको यहाँ पर होम वाला आइकन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपका नेट ऑन कर लेना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करके जो भी ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको डाउनलोड करना है यहाँ पर आपको नाम लिखने के बाद जैसे सर्च करोगे आपको दोस्तों डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा और डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से वीडियो के एंड तक आपको ऐड कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो के एंड तक ट्रांजेक्शन इफेक्ट को ऐड करने के बाद स्टार्टिंग पोजीशन में आके दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो में क्लिक करके इसका फोटो का लेंथ इतना दूर तक कमाना है और दोस्तों जो एंड पोजीशन का फोटो है इसका भी लेंथ आपको कुछ इतना दूर रखने के बाद आपको इस तरह से लेंथ कमा लेना है। उसके बाद दोस्तों आप लोग देखोगे इस वीडियो का लेंथ 25 सेकंड है, इसको आपको 30 सेकंड करने के लिए आपको दोस्तों फोटो में क्लिक करके इस प्रकार से दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा जस्ट लेंथ आपको बढ़ाना है सभी फोटो का। ठीक है, लेंथ बढ़ाने के बाद इस वीडियो को आपको 30 सेकंड तक कर लेना है। दोस्तों वीडियो को 30 सेकंड करने के बाद दोस्तों आपको इस एरो में आपको क्लिक करना है। ठीक है, ए वाला एरो में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो का रेजोल्यूशन थोड़ा आपको बढ़ाने के बाद इस वीडियो को दोस्तों नीचे आपको सेव एज कर लेना है। ठीक है, आपको दोस्तों वीडियो को सेव करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। आपको दोस्तों ये वाला प्रोजेक्ट के थोड़ा बगल में आपको मिलेगा 3 डॉट, यहाँ पर आपको क्लिक करके डुप्लीकेट में क्लिक करना है और आपको 16:9 को सिलेक्ट करके नीचे डुप्लीकेट में क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर वाला प्रोजेक्ट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको फोटो में क्लिक करना है। ठीक है, फोटो में क्लिक करके आपको दोस्तों दो उंगली से इस प्रकार से फोटो को फिल स्क्रीन करना है और आपको डबल एन में क्लिक कर लेके आपको क्लिक हटा लेना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इन पोजीशन जूम कर सकते हो। तो दोस्तों इसी प्रकार से दोस्तों आपका जितना फोटो है दोस्तों सभी फोटो को इस प्रकार से आपको फिल स्क्रीन कर लेना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं फटाफट चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को दिखाता हूँ। दोस्तों एंड पोजीशन जूम करने के बाद आपको स्टार्टिंग पोजीशन में आके दोस्तों आपको अर्बन रेड ट्रांजेक्शन इफेक्ट चेंज करके आपको दोस्तों क्लासिक ट्रांजेक्शन में आके आपको जूम आउट वाला सिलेक्ट कर लेना है, जो कि दोस्तों क्लासिक ट्रांजेक्शन इफेक्ट आपको डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है, आपको काइन मास्टर में फ्री में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि दोस्तों मैं सभी अर्बन रेड ट्रांजेक्शन इफेक्ट को चेंज कर चुका हूं। करने के बाद आपको इस बार फोटो में क्लिक करके फोटो का विग्नेट को आपको ऑन करना है इस तरह से। ठीक है, आपको इस तरह से वीडियो के एंड तक विग्नेट को ऑन करना है। स्टार्टिंग पोजीशन में आके लेयर ऑप्शन में जाके आपको इफेक्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। ठीक है, इस प्रकार से, और आपको बेसिक इफेक्ट में आके ब्लर वाला इफेक्ट को ऐड करना है और इस ब्लर को वीडियो के 4 इस तरह से करना है। सेटिंग ऑप्शन में जाकर लेंथ 3 रखना है और आप कर लेना है इसको वीडियो के एंड तक।
वीडियो का एंड तक करने के बाद स्टार्टिंग पोजीशन में आके लेयर ऑप्शन में जाना है और आपको यहाँ पर मीडिया ऑप्शन में क्लिक करके आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार का आपको एक बर्थडे टेम्पलेट वीडियो को लेना है। लेने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा स्प्लिट स्क्रीन, इसको आपको फुल स्क्रीन करना है और आपको नीचे मिलेगा ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है, आपको करना है स्क्रीन। इतना दूर करने के बाद आपको फिर से लेयर ऑप्शन में जाके मीडिया ऑप्शन में आना है और दोस्तों अभी जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट किया था काइनमास्टर से उसको आपको लेना है। लेने के बाद आपको क्रॉपिंग ऑप्शन में जाके मार्क्स ऑन करना है, शेप्स में जाके इस तरह का आपको सर्कल वाला शेप्स को ऐड करना है और यहाँ पर दोस्तों जो आपको फ्रेम मिल रहा है इस फ्रेम के ऊपर आपको बहुत अच्छे से दोस्तों आपको ये वाला आपको वीडियो को अच्छे तरीके से आपको बैठा लेना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और इस प्रकार से आपको बैठाने के बाद आपको इस थ्री डॉट में क्लिक करके इसको सेंड टू बैकवर्ड कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर आपको चार फ्रेम मिलेगा, इस चारों फ्रेम में आपको फोटो को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लेयर ऑप्शन में जाके आपको मीडिया ऑप्शन में आना है। आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको गैलरी ओपन हो जाएगा और गैलरी ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉपिंग ऑप्शन में जाना है और इसका मार्क्स ऑन करना है और इस प्रकार से दोस्तों आपको फोटो को क्रॉप कर लेना है, ठीक है। और फोटो को क्रॉप करने के बाद दोस्तों आपको एक बार बैक आना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो फ्रेम मिल रहा है इस फ्रेम के ऊपर आपको सही से एडजस्ट करके यहाँ पर आपको फोटो को बैठाना है कुछ इस प्रकार से और थ्री डॉट में क्लिक करके इसको सेंड टू बैकवर्ड करना है। फिर से क्रॉपिंग ऑप्शन में जाके इसका नीचे साइड क्रॉप कर लेना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और क्रॉप करने के बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर से फोटो में क्लिक करके इसका लेंथ आपको वीडियो के एंड तक आपको कर लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों इसका आपको एक डुप्लीकेट ले लेना है, ठीक है। डुप्लीकेट ले जाने के बाद मतलब लेने के बाद इस प्रकार से आपको इस तरह से आपको क्रॉप करना है, ठीक है। और इस तरह से क्रॉप करने के बाद बैक आना है। यहाँ पर रिप्लेस का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और रिप्लेस में क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से एक फ़ोटो को आपको एडजस्ट करना है और फोटो को इस प्रकार से आपको ले लेना है, ठीक है। और फोटो को लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फ्रेम मिलेगा एक, ठीक है। और इस फ्रेम के ऊपर आपको दोस्तों सही से एडजस्ट करके आपको इस फोटो को आपको बैठाना है, ठीक है। और अच्छे तरीके से बिठाने के बाद दोस्तों आपको इस थ्री डॉट में क्लिक करके इसको भी सेंड टू बैकवर्ड कर लेना है। करने के बाद दोस्तों इसको आपको एंड पोजीशन करने का जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही एंड पोजीशन हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आपको नीचे दो फ्रेम में आपको फोटो को एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर चार फोटो को अच्छे से एडजस्ट करने के बाद लेयर ऑप्शन में जाकर टेक्स्ट ऑप्शन में आना है और आ जाने के बाद दोस्तों जिसके नाम से वाला बर्थडे वीडियो एडिट कर रहे हो उसका नाम आपको लिख लेना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर डबल ए का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर जाके आपको जो भी टेक्स्ट स्टाइल बेटर लगता है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा आपको टेक्स्ट को जूम करके आपको दोस्तों इस जगह पर आपको अच्छे तरीके से बैठा लेना है। बैठाने के बाद दोस्तों आपको टेक्स्ट में क्लिक करके इसका लेंथ आपको पकड़ के वीडियो के एंड तक आपको ले चले जाना है। ले जाने के बाद स्टार्टिंग पोजीशन में आके दोस्तों आप लोग जैसे वीडियो को प्ले करोगे आपका वीडियो का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिखने को मिलेगा। अगर इस प्रकार का वीडियो एडिटिंग क्रिएट करने में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था। वीडियो को अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों एक न्यू इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ।